कोरोना महामारी के तीसरे लॉकडाउन में शासन के निर्देश के बाद रामनगरी अयोध्या जनपद में भी शराब की दुकानें खोल दी गई। ये दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। रामनगरी के शहर फैजाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए पुलिस शराब बिकवा रही है। शराब की सभी दुकानों के सामने 5 गोले बनाए गए हैं, जिसमें एक साथ केवल 5 मदिरा प्रेमी ही खड़े होकर शराब खरीद सकते हैं। जनपद में शराब की दुकान खोलने के बाद सभी दुकानों पर शराब प्रेमियों की भीड़ लग गई। हालांकि पुलिस की व्यवस्था के मुताबिक दुकान के सामने केवल 5 लोग ही खड़े होकर शराब खरीद सकते हैं। पुलिस ने 1 मीटर का गोला बनवाते हुए बैरिकेडिंग भी कराई है, ताकि उसी के अंदर लोग खड़े होकर शराब खरीद सके। शहर के एक शराब की दुकान पर उस समय अजीब स्थिति बन गई जब पुलिस अधिकारियों के सामने ही खाकी वर्दी में एक होमगार्ड झोला लेकर शराब खरीदने पहुंच गया। शराब लेने के लिए बाकायदा लाइन में भी खड़ा हो गया। हालांकि बाद में मौके पर मौजूद अधिकारियों के निर्देश के बाद उसे हटा दिया गया। अयोध्या से नौशाद आलम की रिपोर्ट। आज लॉकडाउन 3 का पहला दिन है। हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार हम लोग फील्ड में हैं, पूरा भ्रमणशील हैं। सुबह से ही पूरा एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। जो दुकानें खुलने का विषय है उसमें जो है शराब की दुकानें हैं, अन्य दुकानें भी हैं। तो अभी DM साहब उसमें जो आदेश जारी करेंगे उसके हिसाब से हम लोग कंप्लायंस कराएंगे। शराब की दुकानें खुल गई हैं, वो सुबह 10 बजे से खुली हैं, लेकिन कल से ही हम लोग इसमें तैयारी कर लिए थे। हमारे SSP साहब के आदेशानुसार हम लोग रस्सा बल्ली इन सब चीज़ों की व्यवस्था करके वहाँ पे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं। पूरा 5 लोगों की पेंटिंग कराए हैं, 5 लोग ही लाइन में लग रहे हैं। उसके अलावा जो लोग लग रहे हैं उनको हिदायत दिया जा रहा है साइड में रहें, लाइन में अनावश्यक ना खड़े हों। इस तरह से ये कंप्लायंस पूरी तरह कराया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगाएं, रुमाल बांध के गमछा बांध के टेम्परेरी चले आए हैं शराब पीने, उनको भी टोका टाकी किया जा रहा है कि आप शराब लेने आए हैं और रुमाल इस पर ना बांध करके आप एक मास्क जरूर ले लें। तो इस तरह से लोगों को हिदायत भी दी जा रही है प्रॉपर जो हमारे मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, दुकानों पे पालन।